Hello friends, welcome to Fully Explained. Subscribe and press the bell icon to keep yourself updated. Hi guys, welcome to Fully Explained. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं parts of speech. ठीक है, ये basic होता है grammar का boss. तो ध्यान देंगे. तो first part of speech is noun. Noun किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, आइडिया का नाम हो सकता है, या फिर क्वालिटी का नाम हो सकता है. पर्सन जैसे कि किसी का भी नाम, राम एक नाम हो सकता है. प्लेस फॉर एग्जांपल मुंबई, आमची मुंबई प्लेस है. थिंग हो सकती है टाई, टेलीविजन, चेयर, कुछ भी. आइडिया हैप्पीनेस, ये एक एग्जांपल है. एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं फ्रीडम, और एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं पीस. और है क्वालिटी. क्वालिटी भी नाउन होता है गाइस. क्वालिटी में कुछ एग्जांपल्स है ब्रेवरी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी. ये आजकल कम देखने मिलती है ये दोनों, और फट्टू लोगों की तो कमी है नहीं. तो नाउन को कैसे पहचानते हैं? ठीक है, नाउन को पहचानने के तरीके होते हैं. जिस भी वर्ड में मोस्टली एंड में शन लगता है टी आई ओ एन, या फिर शन लगे एस आई ओ एन, या फिर लगे इज्म, मेंट, एंस, इटी, डम, नेस या एज, तो ये तरीके हैं नाउन को पहचानने के, या फिर किसी भी वर्ड से नाउन में कन्वर्ट करने के. फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन, पजेशन, नेपोटिज्म, ट्रीटमेंट, सिग्निफिकेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्री से बनेगा फ्रीडम, हैप्पी से बनेगा हैप्पीनेस, और नो से बनेगा नॉलेज. लेट्स मूव ऑन. प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन. मतलब हम जब बात कर रहे हैं राम की, राम वेंट टू लंका, राम किल्ड रावण, राम रेस्क्यूड सीता, तो बार बार हम राम राम नहीं बोलेंगे. ठीक है, हालांकि बोलना चाहिए लेकिन हम नहीं बोलेंगे. तो हम क्या बोलेंगे? राम वेंट टू श्रीलंका, ही किल्ड रावण एंड ही रेस्क्यूड सीता. ऐसा आगे बढ़ते हैं. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को. ठीक है, तो एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण, जो कि बताते हैं विशेषता. जैसे कि नाउन को कहा जाता है नाम, प्रोनाउन को सर्वनाम, और एडजेक्टिव को विशेषण. ये डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को. तो बिग, ब्रेव, ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. इसके अलावा जो कॉमन तरीका है नाउन्स को पहचानने का, वो है एक, इकल, फुल या फिक. फॉर एग्जांपल ग्राफ से बना ग्राफिक, या फिर बना ग्राफिकल, या फिर हुआ फ्रूटफुल, ब्यूटीफुल. फिक का एग्जांपल है टेरिफिक. तो ये सारे एग्जांपल है गाइस, जिससे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है या नहीं. नेक्स्ट वर्ब. वर्ब आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत लोगों से सुनेंगे कि वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, बट वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है. वर्ब्स होते हैं किसी भी चीज का करना, होना या रहना. एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग. फॉर एग्जांपल आई एम, मेरा होना भी एक क्रिया है. यहां पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मेरा होना भी एक क्रिया है, एक वर्ब है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन दोस्तों आपको बड़ी बड़ी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी ग्रामर की बुक्स में नहीं मिलेगी. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वर्ब इज द वर्ड शोइंग एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग. वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है दोस्तों, उसे कहते हैं इन्फिनेटिव. फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन. ये तीन फॉर्म्स है वर्ब के. गो होता है पहला फॉर्म, वेंट दूसरा फॉर्म, और गॉन तीसरा फॉर्म. तो इसमें हम लोग कई बार गो को गोज भी लिखते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव होता है बेसिक फॉर्म,
मतलब गो, जिसमें कोई भी इन्फ्लेक्शन ना किया हो, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई हो, वो वर्ब होता है बेसिक वर्ब, या फिर बोल सकते हैं इन्फिनिटिव, और बाकी को बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। तो दोस्तों, अगर आप वर्ब्स सेपरेटली और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये होते हैं वर्ब्स, एक्शन, अकरेंस एंड स्टेट ऑफ बींग। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव को, वर्ब को, क्लॉज को, सेंटेंस को या अदर एडवर्ब को। इसमें हमें क्या देखने के लिए नहीं मिल रहा है? यू गेस्ड इट राइट, शाबाश, मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। तो इसमें आपको देखने में नहीं मिल रहा है नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स, और नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनको डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब। समझ गया मुन्ना, शाबाश। तो आगे एडवर्ब ये होते हैं क्वाइट, वेरी, ये तो जनरल हो गए, लेकिन हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी वर्ब एडवर्ब, कोई भी वर्ड एडवर्ब है या नहीं? तो उस वर्ड के आखिर में आपको देखने के लिए मिलता है एल वाई या फिर आई एल वाई, जैसे कि पेज नंबर 112। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेटली, प्राइमरीली, हैप्पीली। अब हैप्पीली में वाई की जगह पर आई आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिली, ग्रॉन्ग। लिली ये एडवर्ब नहीं है दोस्तों, लिली है नाउन। ये एक फ्लावर का नाम है या फिर एक कलर का नाम बोल सकते हैं, समझे? भावनाओं में नहीं बहना है। तो कॉमनली हम लोग एडवर्ब को पहचान सकते हैं एल वाई या फिर आई एल वाई से, लेकिन वेरी, क्वाइट, लिली ये सब एक्सेप्शंस है। लिली तो यहां पर एडवर्ब है ही नहीं, और वेरी और क्वाइट भी एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल द वर्क वॉज डन वेरी ब्यूटिफुली, तो वेरी ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली खुद भी एडवर्ब है, लेकिन एक एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है वेरी। शी वॉज क्वाइट श्योर अबाउट इट, तो क्वाइट श्योर, वो श्योर कैसी थी? वो क्वाइट श्योर थी, ठीक है? तो इसीलिए वहां पर यूज हुआ है एडवर्ब। समझ में आया? आगे चलेंगे प्रेपोजिशन, ये तो तुम्हारा फेवरेट होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन शो करता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप्स के बारे में तो तुम भोले बच्चे हो, तुमको नहीं पता। तो रिलेशनशिप जो है ये बहुत कॉमन वर्ड है, आजकल चल रहा है ये, इसका रिलेशनशिप उसके साथ, उसका रिलेशनशिप उसके साथ, तो वहां पर बात हो रही है प्रपोजिशन की, ठीक है? तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो दिखाते हैं रिलेशनशिप, जैसे कि इन, ऑफ, अंडर, अबव, आफ्टर, बिलो, ऑन, ये सारे वर्ड्स दिखाते हैं रिलेशनशिप, और इसीलिए इन सारे वर्ड्स को कहा जाता है प्रपोजिशन। समझे? आगे कंजंक्शन, ये यूज होता है किसी भी सेंटेंसेस या वर्ड्स को ज्वाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, बिकॉज और व्हेन। इसके अलावा भी और कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शंस दो टाइप के होते हैं दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल नीदर नॉर, आइदर और, हार्डली व्हेन, नो सूनर देन, ये सारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
ये डिपेंडेंट कंजंक्शंस होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं एंड बट बिकॉज और व्हेन, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंडिपेंडेंट कंजंक्शंस होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आगे इंटरजेक्शन, दोस्तों ये वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग दिखाते हैं एकदम से, हुर्रा अलास ये होते हैं सडन फीलिंग वाले वर्ड्स, आह ओह वैसे वाले नहीं, ठीक है। ये हम लोग कभी कभी आजकल ये बहुत चल रहा है WTF, है ना, चल रहा है कि नहीं, तो मुझे नहीं पता कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों को शायद पता होगा, तो मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स इंटरजेक्शन में नहीं आएंगे, समझे ना, तो इनको इंक्लूड मत करियो, समझे। आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं ये होता है कि सिर्फ माना जाता है 8 है पार्ट ऑफ स्पीच, सिर्फ 8 है, लेकिन कभी कभी एक और पार्ट ऑफ स्पीच लिया जाता है जो कि होते हैं डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जो बताते हैं कि नाउन कितने हैं, क्या है, कैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन एप्पल, तो वन वहां पर होगा एडजेक्टिव, लेकिन वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है कि एप्पल एक ही था, ज्यादा नहीं थे, ठीक है, तो हिसाब से खाना। वर्ड्स लाइक ए एंड द, दिस दैट दीज दोज एवरी ईच सम एनी, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये होते हैं डिटरमाइनर्स, जो कि मीनिंग ऑफ नाउन बताते हैं, मतलब नाउन कितने हैं, या फिर ये कभी कभी प्रोनाउन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ऑल डिटरमाइनर्स एक्सेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट ए एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स, मतलब सारे ही डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव समझा जाता है, लेकिन ए एंड द को एडजेक्टिव नहीं समझा जाता है। तो क्या समझा जाता है? ऑब्वियसली आर्टिकल्स, यू गेस्ड इट राइट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, इसमें बहुत लोगों की फटती है। अ कहाँ यूज होता है? अ यूज होता है बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन बिगनिंग विथ कंसोनेंट साउंड। यहां पर साउंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कंसोनेंट का मतलब होता है अल्फाबेट्स एक्सेप्ट वॉवेल्स, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी टू जेड में वॉवेल्स ए ई आई यू को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स बचते हैं उन्हें कहते हैं हम कंसोनेंट्स, और कंसोनेंट साउंड के पहले आता है अ, मतलब अ यूनिवर्सिटी। तो अ यहां पर एज अ जनरल यूज किया गया है कि हमें कोई भी एक रैंडम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है, आई एम अ बीबीए, तो इन दोनों के पहले यूज हुआ है अ, तो अ इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है, साउंड उसका है यू से, य य य का साउंड है, और बीबीए में बी का साउंड है, और ये दोनों ही साउंड्स कंसोनेंट होते हैं, इसीलिए यहां पर अ यूज हुआ है। तो एन कहां यूज होगा? एन यूज होगा बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन बिगनिंग विथ वॉवल साउंड, अगेन साउंड इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है FIR, FIR के पहले लगता है एन FIR, क्योंकि एफ वैसे देखा जाए तो एफ कंसोनेंट है, लेकिन हम एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस कर रहे हैं यहां पर, और इसका साउंड आ रहा है ई एफ एफ, एफ ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहां पर है, इसलिए यहां पर आर्टिकल यूज हुआ है एन। फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज एन एम बी ए, तो यहां पर भी एम यूज हुआ है, एम इसीलिए ई का साउंड आ रहा है यहां पर, एम इसलिए यूज हुआ है वोवेल एन। अब ये जाकर अपने टीचर को मत बोल देना कि एन मैंगो होगा, क्योंकि यहां पर एम का साउंड आ रहा है, एम एम एम, ऐसा मत बोलना, ये गलत है, ये यूज नहीं होता कभी, समझे। आगे द
द का यूज होता है, द यूज होता है बिफोर नेम्स ऑफ यूनिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, और द सबसे पावरफुल होता है इसमें, क्योंकि द रिप्लेस कर सकता है अ या एन को. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो यहां पर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इसीलिए यूज हो रहा है द. दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, ब्रिंग मी दी FIR रजिस्टर. कोई और रजिस्टर मत लाना, FIR का रजिस्टर लाना. इस तरीके से. तो कैसा लगा बताइए नीचे कमेंट्स में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, वर्ब्स का वीडियो देखना ना भूलें, उसमें वर्ब्स बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.